आदरणीय साथियों, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में कहा है कि पांच व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता। गाँव का प्रत्येक समूह या उस समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गाँवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हों। गांधी जी की यही मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलना चाहिए, ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गांव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों, इनमें 2 महिला अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य अपने हाथ में ले। ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत समिति धीरे धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में दीप प्रज्वलित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की। यद्यपि राज्य में ग्राम पंचायतें पहले से थीं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1960 में प्रथम चुनाव हुए। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे। हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए, अनेक चुनाव के बाद जीतकर सरपंच बने। ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने, एवं उनमें से प्रधान व उप प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं। न केवल राजस्थान राज्य में ही
अपितु देश के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगीं, अर्थात ये संस्थाएँ अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायतें 10-15 गांवों की मंडल पंचायतें हों तो अधिक सक्षम होंगी। ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु गठित जीवीके राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। देश की पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वें संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुवादित होना भी है। अनुवाद 2 भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और 2 संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है 2 भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। महोदय, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में जहां विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएं बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश की 18 प्रधान भाषाएं हों, खान पान वेशभूषा रीत रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, वहां देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेष्टा हो। जहां संपूर्ण देश की भाषा एक हो वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है।
आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकी आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषियों के मध्य हिंदी का प्रचार शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्मविकास या आत्म प्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके तथा दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह दो या अधिक भाषाएं सीखता है। यह व्यावहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य होता है। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या 40 लाख है। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग ही है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहां आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। इन पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए तथा उन्हें भाषा की कठिनाई ना हो, इसलिए द्विभाषियों की जो यूरोप की विभिन्न भाषाएं जानते हों आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से युवक युवतियाँ विदेशी भाषाएं सीखते हैं और द्विभाषीय का काम करते हैं। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी, ये सारी बातें सहते हैं हमारे किसान भाई। तो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं।